हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह सोशल चेंज एंड एजुकेशन से संबंधित है। इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि इसके पहले जो वीडियो बनाया था वह सोशल चेंज के मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स तथा फैक्टर्स के संबंध में था। हेंस आई वुड सजेस्ट यू कि यदि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें तो सोशल चेंज से संबंधित अपने कॉन्सेप्ट को अवश्य क्लियर करें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इस वीडियो में इन अ नटशेल सोशल चेंज का क्या मीनिंग है इसके संबंध में डिस्कस कर लेते हैं। एज वी ऑल नो कि परिवर्तन मानव जीवन की प्रमुख विशेषता है। जीवन का सदैव एक सा ना रहना ही वास्तव में परिवर्तन की अवधारणा को स्पष्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। मनुष्य के जीवन में भी सदैव कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। और हम सभी जानते हैं मैन इज ए सोशल एनिमल और मनुष्य समाज की इकाई है, समाज से ही संबंधित है। यही कारण है कि मानवीय जीवन में परिवर्तन होने के कारण उसका प्रभाव कहीं ना कहीं समाज में भी पड़ता है। यदि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो इसे सरल शब्दों में कहें तो जो ह्यूमन लाइफ में चेंजेस आते हैं, मानव जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, उनका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी चेंजेस लाता है। यही कारण है कि वर्तमान में जो सोसाइटी का रूप है, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, युगों पहले ऐसा नहीं था। इसका अभिप्राय यही हुआ कि चेंज या परिवर्तन एक सर्वव्यापी नियम है। मानव समाज का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन ना होता हो। कोई भी सोसाइटी को, विश्व के किसी भी समाज को हम पूरी तरह से ना तो स्टैटिक कह सकते हैं और ना ही डायनामिक कह सकते हैं। यानी कोई भी समाज ना तो पूरी तरह से जड़ कहा जाता है कि जड़वत हो जाए, और ना ही पूरी तरह से स्थिर है, वरन धीरे धीरे तीव्र या मंद गति से उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि बिना परिवर्तन के किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। परिवर्तन के माध्यम से ही समाज वास्तव में गतिशील होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिवर्तन सृष्टि के लिए अपरिहार्य है, आवश्यक है, और जो कुछ भी इसके अंतर्गत है वह सब परिवर्तनशील है। इसी अवधारणा को वास्तव में सोशल चेंज या सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। हियर आई वुड लाइक टू रिकॉल यू अगेन कि इसके पहले वीडियो में हमने सोशल चेंज के जो इफेक्टिव फैक्टर्स थे उनके संबंध में भी डिस्कस किया था। इन नटशेल बता दें कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मनोवैज्ञानिक कारक जिन्हें कहा जाता है, राजनैतिक फैक्टर्स यानी पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। अपार्ट फ्रॉम दिस सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आर आल्सो एसेंशियल। इसके अतिरिक्त आर्थिक कारक और जनसंख्यात्मक कारक भी इक्वली एसेंशियल हैं। इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स तथा पॉपुलेशन फैक्टर भी एसेंशियली स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं सोशल चेंज के पर्स्पेक्टिव में, तथा इंडस्ट्रियल फैक्टर्स को भी निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। नाउ लेट अस नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। एज वी ऑल नो कि एजुकेशन और सोसाइटी में स्पेसिफिक रिलेशन है। शिक्षा और समाज के घनिष्ठ संबंध को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। शिक्षा एक सोशल प्रोसेस है, यानी एक सामाजिक प्रक्रिया है, और इसके द्वारा समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। समाज द्वारा इसको नियंत्रित भी किया जाता है, लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते या इसको हमें याद रखना चाहिए कि समाज अपने उद्देश्यों के अनुसार ही वास्तव में शिक्षा के स्वरूप, उसके उद्देश्य तथा प्रक्रिया इत्यादि को निर्धारित करता है। और वास्तव में यही कारण है कि विभिन्न समाजों में शिक्षा का जो स्वरूप है या एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है। प्रत्येक सोसाइटी का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, सिनेरियो है, वो अलग अलग होता है, उसमें विभिन्नता पाई जाती है। इसका एक मतलब ये भी है कि जो एजुकेशन है या शिक्षा है वह कहीं ना कहीं सोशल चेंज को फॉलो करती है, सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, तथा शैक्षिक परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप होते हैं। इस संदर्भ में ओटावे महोदय ने कहा है कि कभी कभी यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन का एक कारण ये है कि शैक्षिक परिवर्तन कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करते हैं, यानी फॉलो करते हैं।
इसको सरल शब्दों में कहें तो शिक्षा कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है और एक स्पेसिफिक फैक्टर है। समाज की मनोवृत्ति में परिवर्तन कर सामाजिक परिवर्तन लाना वास्तव में शिक्षा का ही मुख्य कार्य है। एजुकेशनल कमीशन की एक रिपोर्ट के अनुसार जो एजुकेशन है वो सोशल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वास्तव में ये शिक्षा ही है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तन लाने का एक सशक्त साधन है, एक शक्तिशाली माध्यम है। तो इस डिस्क्रिप्शन के आधार पर अब हम ये समझें या ये कहा जा सकता है कि जो शिक्षा है वो सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है तथा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की अनुगामी है। सो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ सच टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन वी कैन से दैट एजुकेशन इज अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज बिकॉज एजुकेशन कैन बी यूज एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज। सोशल चेंज के परस्पेक्टिव में एजुकेशन का क्या रोल है, सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शिक्षा किस तरह से अपनी भूमिका अदा करती है, इसके संदर्भ में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट को ले लेते हैं। इनमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका है विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड्स। यह प्रश्न सहज उठता है कि विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा किस तरह से ज्ञान का विकास करती है या इसका क्या स्पेसिफिक रोल है। तो इस संबंध में हम ये कह समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के विकास के लिए नए नए अनुसंधान होते हैं, यानी रिसर्चेज होती हैं। इन अनुसंधानों के कारण जो भौतिक संस्कृति है यानी मेटेरियल कल्चर है उसमें चेंजेस आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि भौतिक संस्कृति या मेटेरियल कल्चर क्या है, तो यहाँ इन नटशील हम बता दें कि भौतिक संस्कृति वास्तव में उन वस्तुओं से संबंधित है जिन्हें मनुष्य ने अपने उपभोग के लिए या अपने उपयोग के लिए बनाया है। अब इसके उदाहरण हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो नई मशीनें हैं, टीवी है, मोबाइल है, फ़ोन, कंप्यूटर, यातायात के साधन, ये सभी भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आते हैं तथा अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत जो आदर्श हैं, मूल्य, सिद्धांत, विचार, रहन सहन के प्रतिमान, ये सभी अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत देखे समझे जाते हैं। और अभौतिक संस्कृति दृष्टिगोचर नहीं होती है, ये किस तरह से दिखती है, ये हमारे आदर्शों में, मूल्यों में, सिद्धांतों में, विचारों के माध्यम से प्रकट होती है। तो ये भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के मध्य अंतर है, इसको आपको समझना होगा। तो जो भी परिवर्तन भौतिक संस्कृति में होता है उसे अभौतिक संस्कृति गाहे बगाहे स्वीकार कर लेती है और इस तरह से जो शिक्षा है वो ज्ञान के विकास का साधन बन जाती है तथा सामाजिक परिवर्तन लाने में एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। एजुकेशन एज अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज के पर्सपेक्टिव में जो नेक्स्ट पॉइंट है वह स्टेबलाइजेशन ऑफ एटर्नल वैल्यूज़ है, यानी शाश्वत मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करना। कभी कभी हम सोसाइटी में देखते हैं कि समाज में विभिन्न चेंजेज आते हैं और इन चेंजेज का प्रभाव कुछ निगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि जो शाश्वत मूल्य हैं, आदर्श हैं, विचार हैं, उनका क्षरण होने लगता है, वो स्पेसिफिक फॉलो नहीं किए जाते हैं। ऐसे समय में शिक्षा ही स्पेसिफिक रोल प्ले करती है और शाश्वत मूल्यों के संरक्षण में उन्हें स्थायित्व देने में सहायता करती है। आप कहेंगे कि एटर्नल वैल्यूज़ क्या हैं, तो एटर्नल वैल्यूज़ में आपका सत्य, अहिंसा, परोपकार, करुणा, दया, प्रेम, सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव, मानव प्रेम इत्यादि को एटर्नल वैल्यूज़ कहा जाता है और ये समाज को स्पेसिफिक डायरेक्शन देते हैं। इनके बिना किसी भी सोसाइटी का अस्तित्व अधिक समय तक नहीं रह सकता है। यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि वास्तव में एटर्नल वैल्यूज से ही संपूर्ण संसार चल रहा है। आपने देखा होगा कि जब किसी को, किसी देश को, किसी व्यक्ति को या किसी समाज को कोई मारने वाली शक्ति आगे आती है तो बचाने वाली बहुत सारी शक्तियाँ या बचाने वाले बहुत सारे हाथ आगे आ जाते हैं और यही कहीं ना कहीं एटर्नल वैल्यूज़ को समझने में सहायक है कि और हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो इसके संदर्भ में स्पेसिफिक रोल प्ले करती है क्योंकि शिक्षा भी एक अविनाशी शक्ति है जो संस्कृति का तथा समाज का संरक्षण कर आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है वो एटर्नल वैल्यूज़ के संदर्भ में स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो सोशल चेंज से संबंधित है वह परिवर्तन ग्रहण करने में सहायक है, हेल्पफुल इन एक्सेप्टिंग द चेंज। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एजुकेशन है वह सोशल चेंज के लिए एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण करती है।
जो भी चेंजेस भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में आते हैं या जो भी भौतिक और अभौतिक परिवर्तन होते हैं उनके माध्यम से शिक्षा व्यक्तियों को तैयार करती है और व्यक्तियों की मानसिकता का निर्माण करती है कि वो उस सोशल चेंज को एक्सेप्ट कर सकें। आपने देखा होगा किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जो भी चेंज आता है उसे पहले जो शिक्षित वर्ग है उस परिवर्तन को अपनाता है, फिर अन्य समाज में वो बात धीरे धीरे फैलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा हमें मानसिक रूप से तैयार करती है कि हम जो चेंजेस हैं उनको किस तरह से एक्सेप्ट करें। तो ये इसके लिए बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो परिवर्तनों के मूल्यांकन से संबंधित है कि वैल्यूएशन ऑफ चेंजेस। समाज में जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी परिवर्तन आते हैं, उनमें ये आवश्यक नहीं है कि वे सभी परिवर्तन समाज के लिए अच्छे हों, कल्याणकारी हों। तो ऐसे में एजुकेशन ही ये एनालिसिस करती है कि कौन सा परिवर्तन ग्रहण किया जाना चाहिए तथा कौन सा चेंज समाज के लिए आवश्यक नहीं है, वांछित नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इसके संबंध में स्पेसिफिक रोल प्ले करती है और एजुकेशन ये बताती है कि किस तरह से परिवर्तन को या वांछित परिवर्तन को स्वीकार किया जाए और उसका एनालिसिस करती है, एवेल्यूएशन करती है। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन इस पर्सपेक्टिव में भी स्पेसिफिक रूप से आवश्यक है। इसी संदर्भ में जो नेक्स्ट पॉइंट है वह भी चेंजेस से ही संबंधित है, सोशल चेंज के पर्सपेक्टिव में है, और परिवर्तन में बाधक तत्वों को दूर करना। तो एजुकेशन इसमें किस तरह से रोल प्ले करती है, इरेडिकेट द हिंड्रेंसेज इन द वे ऑफ चेंजेस। समाज के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो समाज के बाधक तत्वों को शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जाता है। तो समाज के बाधक तत्व हैं जैसे निःस्वार्थ हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट जिन्हें कहा जाता है, फियर ऑफ न्यू चेंज, नवीनता का भय कि जो नवीन चीज़ें होती हैं, नवीन अवधारणा होती है उसे हम सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हम प्राचीन को ही अपनाना चाहते हैं। हम नए वातावरण में नए लोगों के साथ बहुत आराम से या बहुत सहजता से घुल मिल नहीं पाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फियर ऑफ न्यू थिंग्स। उसी तरह से कल्चरल एनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट है, सांस्कृतिक जड़ता जिसे हम बोलते हैं कि हम अपनी सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं, मूल्यों को ही बनाए रखना चाहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उनमें चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं। इसी तरह से डिग्री ऑफ आइसोलेशन है, पृथकता की मात्रा भी एक बाधक कारक है, ये कह सकते हैं कि फैक्टर ऑब्स्ट्रक्टिंग सोशल चेंज। ये भी एक स्पेशल रीज़न है कि ऐसे कई समाज हैं जो अपने अस्तित्व के लिए या अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरे वर्गों से अलग थलग रहते हैं। तो ये सभी जो कारक हैं ये बाधक कारक कहलाते हैं। तो एजुकेशन ही है वो इन बाधक कारकों को दूर करने में सहायक है, मनुष्य की मानसिकता को निर्मित करती है, समाज को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देती है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि एग्जामिनेशन में आ जाता है कि सामाजिक परिवर्तन के बाधक कारक कौन से हैं तो ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए, जिनमें आपको कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स याद रखने हैं। इनमें आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, निःस्वार्थ यानी न्यू चेंजेस के कारण जब किसी व्यक्ति के अधिकार और प्रतिष्ठा में कमी होने लगती है तो उसे हम निःस्वार्थ कहते हैं और इसके कारण व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन स्वीकार करना नहीं चाहता है या कोई भी समाज सोशल चेंज को लाना नहीं चाहता है तो इसे निःस्वार्थ कहा जाता है। नवीनता का भय है आपका, सांस्कृतिक जड़ता है, पृथकता की मात्रा है, ये कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जो बाधा के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अतः इस संदर्भ में आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि सामाजिक परिवर्तन के बाधक कारक कौन से हैं। लेकिन हमें यहाँ चूंकि शिक्षा के पर्सपेक्टिव में बात चल रही है तो हमें ये याद रखना है कि शिक्षा के पर्सपेक्टिव में भी जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो बात ये चल रही थी कि शिक्षा बाधक तत्वों को दूर करने में कहीं ना कहीं सहायक है, अपनी मनोवृत्ति को व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से ही चेंज करता है, उसके लाभों की ओर उसका ध्यान जाता है, तो एजुकेशन स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। इसी तरह से जो नेक्स्ट फैक्टर है तो उसके संबंध में यदि हम डिस्कस करें तो सामाजिक परिवर्तनों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ सोशल चेंज। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया वास्तव में तभी पूरी होती है जब परिवर्तन को सामाजिक स्वीकृति यानी सोशल एक्सेप्टेंस प्राप्त होती है। सामाजिक स्वीकृति के बिना कोई भी परिवर्तन वास्तव में बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकता है। तो सामाजिक स्वीकृति के लिए ये आवश्यक है कि समाज को इन परिवर्तनों के संदर्भ में जानकारी दी जाए और ये जो नॉलेज है ये शिक्षा के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों के प्रचार और प्रसार में भी सहायक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो एकता और समग्रता उत्पन्न करने में सहायक है और एजुकेशन इसके संबंध में स्पेसिफिक रोल प्ले करती है, हेल्पफुल इन प्रमोटिंग यूनिटी इन सोसाइटी। जब भी समाज में आपसी तनाव, झगड़े, वैमनस्यता, मतभेद, स्वार्थ या स्वार्थों में टकराव की स्थिति आती है, विभिन्न प्रकार के वर्ग भेद या लड़ाई झगड़े या संघर्ष दृष्टिगोचर होता है, तो ऐसे में शिक्षा ही है जो हमें समग्रता का, एकता का पाठ पढ़ाती है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ की जो भावना है वो हमें पैदा करती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो फैक्टर है वो हमें बताती है। तथा भारत जैसे विशाल देश में जहाँ विभिन्न जातियाँ हैं, धर्म हैं, वर्ग हैं, वर्ण हैं, भाषाएँ हैं, इसके संबंध में शिक्षा बहुत आवश्यक है और एजुकेशन एक स्पेशल रोल प्ले करती है नेशनल इंटीग्रेशन को लाने में, जिससे संघर्ष खत्म हो तथा पॉजिटिव सोशल चेंज आए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो सोशल रिफॉर्मेशन का भी कार्य करती है। तो अगला पॉइंट आपका सामाजिक सुधार में सहायक है शिक्षा, ये कह सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन समाज के पर्सपेक्टिव में एसेंशियल है, इसके रोल को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। एज वी ऑल नो, मानवीय संबंधों को सुधारने में सहायक है, मूल्यों में जो बिखराव आता है या मूल्यों का जो ह्रास होता है उसके संबंध में भी जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है और स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। ह्यूमन वैल्यूज़ को जगाने में, मानवीय गुणों को लाने में, संवेदनाओं को संचरित करने में तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान में भी एजुकेशन कहीं ना कहीं स्पेसिफिक है। तो यहाँ तो हमने ये डिस्कस किया कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की अनुगामी कैसे है। एक तरफ तो हमने ये देखा कि जो एजुकेशन है वो सोशल चेंज किस तरह से लाती है। अब हम देखेंगे कि एजुकेशन सोशल चेंज को किस तरह से फॉलो करती है, क्योंकि जैसा समाज होगा वैसी ही तो शिक्षा होगी। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो तभी पूरा होगा जब आप लिखेंगे एजुकेशन फॉलोअर ऑफ सोशल चेंज। यही कारण है कि ओटावे महोदय मानते हैं कि शिक्षा समाज पर रहने वाली परिवर्तनशील वस्तु है। निसंदेह शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है तथा कहीं ना कहीं यह सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, ब्रिटिशर्स थे, तब शिक्षा व्यवस्था अलग थी और अब डेमोक्रेसी है, हम सभी स्वतंत्र हैं, तो जो शिक्षा का स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया है। तो सामाजिक परिवर्तन के अनुसार जो शिक्षा व्यवस्था है वो लाई जाती है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो ये बनेगा कि सामाजिक आवश्यकताओं के कारण शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, ड्यू टू सोशल नीड्स। जब समाज की आवश्यकताएँ बदलती हैं, जब समाज की अवधारणाएँ परिवर्तित होती हैं, तभी समाज की जो शिक्षा नीति है वो भी बदल जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सोशल चेंज के अकॉर्डिंग एजुकेशन बदलती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने एक समाजवादी प्रजातांत्रिक समाज की स्थापना की, उसके परिणाम स्वरूप निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किया गया और वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट को बल दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा, प्रौद्योगिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के विकास की व्यवस्था की गई जो पहले नहीं थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोशल चेंज जिस तरह से होता है एजुकेशन भी वैसा ही सिनेरियो ले लेती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक शक्तियों के कारण, ड्यू टू सोशल फोर्सेज। प्रत्येक समाज में कुछ शक्तियाँ होती हैं जो कि समाज को स्पेशल डायरेक्शन देती हैं, उसको गतिशील बनाती हैं, उसमें कुछ स्पेसिफिक चेंजेस लाती हैं। और जब समाज की इन शक्तियों के मध्य परिवर्तन होते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के जो समूह हैं उनकी आवश्यकताएं, आकांक्षाएं समाज को एक स्पेशल डायरेक्शन देती हैं, शाश्वत मूल्यों में परिवर्तन आ जाता है, आचरण के जो प्रतिमान हैं उनमें परिवर्तन आने लगता है, कल्चरल फैक्टर्स में परिवर्तन आने लगता है। तो जो एजुकेशन है वो भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज की जाती है, जिनके माध्यम से वे जो सामाजिक शक्तियाँ हैं, सोशल फोर्सेज हैं, वो प्रदर्शित होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन कहीं ना कहीं सामाजिक शक्तियों के कारण भी परिवर्तित होती है और उनको अपने आप में ऑर्गेनाइज भी करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सांस्कृतिक परिवर्तन के कारण है, ड्यू टू कल्चरल चेंजेस। ओटावे ने इस संबंध में कहा है कि सांस्कृतिक परिवर्तन के अनुकरण के कारण वास्तव में शैक्षिक परिवर्तन होता है। संस्कृति के दो भाग हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि एक तो भौतिक संस्कृति है और एक अभौतिक संस्कृति है, एक मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। तो भौतिक संस्कृति में जब परिवर्तन होता है तो अभौतिक संस्कृति में भी परिवर्तन धीरे धीरे आने लगता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है जिसके माध्यम से पता चलता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन सोशल चेंज एंड एजुकेशन।
आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेक्चर को यदि आप बार बार सुनेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, बेहतर तरीके से आप एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे। आपको ये सलाह है कि जो भी हेडिंग्स बोली जाती हैं और उनको डिस्क्राइब किया जाता है, आप उन्हें बार बार सुनें या क्लास नोट्स की तरह उन्हें लिख लें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।